मैम आप ये रोल प्ले करते हुए कितना आपको एक्साइटमेंट? मुझे कितनी एक्साइटमेंट थी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। कोई भी रोल प्ले करना एक एक्टर के लिए एक्साइटिंग जॉब होता है, तो फाइनली जब मौका मिलता है तो आई थिंक वो प्रोसेस में घुसना और एकदम कैरेक्टर को और उस दुनिया को समझना, आई थिंक वो जूसी पार्ट होता है, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो इस रोल के लिए आपने कुछ स्पेशली तैयारी की? एक्चुअली क्योंकि ये पंजाबी मूवी है, मतलब पंजाबी वर्ल्ड में है, तो ज़्यादा तैयारी एज इन एज सच मुझे फील नहीं हुई कि स्पेसिफिकली या डायलैक्ट लर्न करना है या कुछ उस दुनिया से, उस माहौल से, उस लैंग्वेज से। मैं ऑलरेडी काफ़ी वाकिफ हूँ, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं करना पड़ा। बाकी स्टोरी को समझना, कैरेक्टर को समझना, वो तो हमेशा करना पड़ता है। नहीं, जैसे आप लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज सीखने में या लैंग्वेज बोलने में कुछ दिक्कत? मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी बोल रही हूँ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू। हमने 27 दिन में ये फिल्म शूट की और उसके पहले हमने 10 दिन एक्टिंग वर्कशॉप की, और इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रेनिंग सीक्वेंसेस थे उसके लिए हमने जो रियल उस्ताद होते हैं, हमारी जो लोकेशन थी बहादुरगढ़ फोर्ट जहाँ पे असली कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, उनके साथ में हमने ट्रेनिंग की, उनसे पनिशमेंट के बारे में सीखा, उन्होंने हमें पनिश भी किया, तो काफ़ी ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने बोला पहले फिल्म को कितना एंजॉय किया इस फिल्म को आपने? मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे लगा नहीं था कि मेरी पहली फिल्म पंजाबी में होगी, और आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि मुझे लिया गया इस फिल्म में, और मैं भी बोल रहा हूँ जो कि एक बहुत ही नई बात है पंजाबी सिनेमा के लिए, ऐसी कोई फिल्म कभी मैंने देखी नहीं है जिसमें पंजाबी फिल्म में और कोई और कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है लेकिन वो बोल नहीं रहा पंजाबी, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ने नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में भी इसमें बात की है कि एक कैरेक्टर है जो हरियाणा में बोलता है, जैसे हम हमारी कंट्री में सारे लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही हमने इस फिल्म में एक बॉर्ड बनाया है जहाँ पे सभी लोग अपने डिफरेंसेस के साथ में रहते हैं बड़े प्यार से, डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करने की बात की। ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें सारे लोग फ्रेश हैं, एकदम फ्रेश फेसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे पंजाबी फिल्म में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सारे लोग नए हों, और सारे परफॉर्मेंस है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हमने जितना फन किया है उसके साथ में हम चाहते हैं कि ऑडियंस देखें और नहीं हो सकते। हिंदी पिंड पिछे छुट गया तो इतने बॉम्बे से आके पुरानी यादा ताजा कीतियां, स्टेइंग इन बॉम्बे एंड वी गेट टू नो एंड सी द ओल्ड प्लेसेस ऑफ पंजाब, वी फील वेरी हैप्पी। मूवी इज मेड वेरी ब्यूटीफुली एंड इट्स नाइस टू सी सच गुड मूवी इन मुंबई। थैंक यू। एक तो जो जोड़ी है हीरो और हीरोइन की बहुत अच्छी है, और सेकंड थिंग म्यूजिक बहुत अच्छा है मूवी का। तो अभी आधी फिल्म देखी है, अभी आधी बाकी है, तो एंजॉय करेंगे। थैंक यू। मूवी ऐसा नहीं है कहीं ड्रैग हो रही है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बिल्ड हो रहा है इंटरेस्ट अभी, तो देखते हैं आगे। थैंक यू। All the performances, the entire cast is very, very good. The direction is very good. Exactly. We've seen like the first half so far, and there's so much of comedy, there's so much of camaraderie between everyone. You know, that connection really shows, and I'm really excited for the second half, which I think is really going to set the tone of the film. From the acting to the music, the songs are amazing. So definitely on my Spotify playlist. Definitely. Yeah. You know.
the heroine of the film and the main leads, you know, they're so good. And the camaraderie between the friends, my God. You know, everybody is such a good character. Definitely. Such beautifully made, you know, first half. Very, very. Gurbani has played such a pivotal role, I think. I know her personally as well. But seeing her on screen, it's like an amazing experience. And I think she's really, I mean, everyone has really lived up to their role. And I'm really excited for how this film is going to fare. Thank you. Thank you. Thank you, guys. रियल में फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमने देखी है बॉलीवुड में आने यहाँ पे फ्राइडे हुआ है कितनी टक्कर होगी इस फिल्म को. आई थिंक इसकी अपनी एक ऑडियंस जरूर होगी. अपनी एक ऑडियंस होती है ऐसा देखो, वो कंपेयर करना कहीं ना कहीं फिल्मों की तोहीन हो जाती है मेरे ख्याल से. अब आप किसी हॉरर फिल्म को इसके साथ करोगे तो वो वाली बात होगी ना. बट सबका जॉनर अलग है, बट इसका भी एक, हाँ इसका भी एक अपना फ्लेवर है. ऑडियंस जरूर आएगी, मजा आएगा. बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट. इवन लाइटिंग्स वगैरह जो उन्होंने की सिनेमाटिक इनकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी. देखिए मैं बता दूं, मैं थोड़ा बाइस हूं इस चीज में क्योंकि मैं हम जीत के लिए आए जीत के उससे मैं खुद उसका रूममेट भी हूं तो मैं इस चीज में बाइस हूं. देखिए हम तो उसका नाम लेंगे, मैं उसी का जीत का नाम. बहुत अच्छा लगा. बट नहीं, बट एवरीबॉडी आई थिंक सबका सबने भी काम अच्छा किया, बहुत अच्छा काम. बट मैं बाइस हूं यहां पे, जीत का ज्यादा अच्छा लगा. जो एक पुलिस स्कैम का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छे से दिखाया, तो आई रियली लाइक इट. थैंक यू गाइस. थैंक यू. हाँ बहुत अच्छी मूवी है, यूनिक टॉपिक है ये. बहुत अच्छी लगी मेरे को, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. मतलब बढ़िया, बॉम्बे में बड़ी स्क्रीन पे पंजाबी मूवी देखने को मिली और बॉम्बे में भी अच्छी ऑडियंस है पंजाबी की और बहुत अच्छी मूवी है. फिल्म का डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा डायरेक्शन उनका. बहुत क्लोजअप, बहुत सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा. मतलब मेरे को पहली बात तो यही अच्छी लगी भी, अच्छा टॉपिक लिया है पंजाबी इंडस्ट्री ने. मतलब बहुत अच्छी मूवी है, अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है और बहुत स्टिक हैगी है. जे तुसी पंजाबी हैगे और वेदर यू आर इंडियन और यू जस्ट वांट टू हैव यू नो वॉच अ मूवी जिहदे विच रियलिटी भी हैगी है ते काफ़ी कॉमेडी भी हैगी, काफ़ी होलिस्टिक तरीके विच स्टोरी टेलिंग की हैगी है. सो गाने भी बड़े चंगे हैगे, जे तुसी म्यूजिक लवर हैगे हो तो यू विल रियली इंजॉय द म्यूजिक. पंजाबी भी हैगा ते इन ट्यून बट टाइम्स भी पूरा म्यूजिक सीगा ते बहुत चंगी मूवी है. तुसी अपनी फैमिली नाल सिनेमा विच जरूर देखना चाहिए सारे लोग. थैंक यू. फिल्म बहुत अच्छी लगी फिल्म और मैं यहीं का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट पंजाबी फिल्म, आई एम वॉचिंग अ पंजाबी फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स टू रिलेटेबल. लाइक ऑल द कैरेक्टर्स, द प्रेमाइज, आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट माई हॉस्टल डेज. इट्स रिलेटेबल, फनी एंड एज एंड वेन द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग आई एम यू नो क्वाइट हुक्ड ऑन टू इट. सो अभी मतलब मुझे क्या अच्छा लगा कि मूवी शुरू हुई एक फनी प्रेमाइस से और धीरे धीरे इट स्टार्टेड गेटिंग सीरियस और रिलेटेबल, सो विच इज़ अ वेरी गुड ग्राफ. हाँ फिल्म के गाने अच्छे हैं, हर मोमेंट पे अच्छे गाने आए हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सब लोगों ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, जीत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वेरी इनोसेंट, वेरी लाइक ऑल कैरेक्टर्स आर स्टैंडिंग आउट. लाइक गुड जॉब टू द लाइक डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छा जॉब किया है, सारे एक्टर्स को एक अच्छा कैरेक्टर दिया है, सब उठ के दिख रहे हैं, म्यूजिक उठ के दिख रहा है, लाइक दिस लोकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड. सो या वेलकम. बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फिल्म, आई मीन देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए. स्पेशली लोगों की जो एक्टिंग है, एक क्लास एक्टिंग है, सबने अच्छी एक्टिंग की और इसके पीछे जो डायरेक्शन दिख रहा है वो भी काफ़ी मेहनत दिख रही है. फिल्म देखिए क्योंकि ये जो फिल्म है, ये जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनके ऊपर ये फिल्म आधारित है और ये बहुत ही यूनिक आइडिया था लेकर आना. तो विक्की कदम जी जो हैं उन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है एंड फिल्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मस्ट वॉच है, देखना चाहिए.
और मूवी में इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, तो यू नो मिक्सचर्स है और तो और अच्छा लगेगा आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि ये पंजाबी फिल्म है तो हमें समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बहुत ही सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, समझ में आता है, समझ में आ तो मस्ट वॉच है। आइए फिल्म देखिए और एंजॉय करिए, बहुत ही प्यारी। जिसको लैंग्वेज भी नहीं आता तो एक्ट के थ्रू समझ में भी आ जाता है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। गुड फिल्म, गुड फिल्म, नाइस फिल्म, नाइस फिल्म, थैंक यू। એટલે એક ફ્રેશર છે બનાવી એમ કે ને, ઇટ્સ અ ન્યૂ કમર્સ, બધા એક્ટર બહુ નવા છે, બટ સ્ટીલ ધ ફિલ્મ ઇઝ વેરી ગુડ, એક્સિલેન્ટ, એકદમ સુપર એક્ટિંગ કરી, ડિરેક્ટરે બહુ સારું કામ કર્યું, મ્યુઝિકથી લઈને એવરીથિંગ, ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક, એક નવી ફ્રેશ ટીમ મળીને એ કંઈક નવું પ્રોડક્ટ લઈ આવે છે વિથ અ ન્યૂ થોટ, વિથ અ ન્યૂ સ્ટોરી, તો ઇટ્સ સમથિંગ ડિફરન્ટ જે હમણાં ચાલે જ નહીં એનાથી। પિક્ચરમાં ડિફરન્સ એ છે કે આજકાલ છે ને બધા સ્ટારકાસ્ટનું જ બહુ જોઈએ છે, કે સ્ટારકાસ્ટ બહુ સારી હોવી જોઈએ આ તે, અને એના હિસાબથી હેવી બજેટમાં કંઈક ફિલ્મ બનાવી દે વિચ આઇઝ નો સ્ટોરી, આમાં સ્ટોરી બહુ સારી છે, તો ડિરેક્ટરનું જે વિઝન છે અબાઉટ ધ સ્ટોરી, ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ, થેન્ક યુ સર। વેરી સાઉન્ડ ડિરેક્શન, મ્યુઝિક, બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર એકદમ ખૂબ જ છાન, આણી રિજનલ ફિલ્મ બગાયલા ही મજા આવી, સ્ટોરી પણ આતા ઇન્ટરવલ ઝાલે અજુન સ્ટોરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ આહે, તર અસે પંજાબી આણી રિજનલ મૂવીઝ આવે તશી માજી ઈચ્છા આહે ખૂબ। એક્ટિંગ, એક્ટિંગ, બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર, ટેકનિકલી વેરી સાઉન્ડ પિક્ચર આહે, મજે કુઠેજ અસ વાટલે નહી કે આપણ રિજનલ મૂવી બગતોય। मला असं वाटतं की आपण बॉलिवूडच्या फिल्म्स बघतो तशाच रिजनल फिल्म्स पण तेवढ्याच चांगल्या याव्यात अशी माझी इच्छा आहे। डिरेक्शन इज व्हेरी गुड। गणित चौकी लागी है फिल्म, काफी बढ़िया है, काफी इंट्रीगिंग है, और स्क्रीन से नजर कौन हटे, तो जिया राजस्थानी में कहवा है गणित चौकी, गणित चौकी मूवी है, और जरूर जरूर देखो। यूथ रे बारे में, यूथ री कठिनाइयाँ बतावे, यूथ रो फन बतावे, पुलिस वाला की कहानी है, देखो जरूर। गीत काफ़ी बढ़िया है, अच्छो हंसी मजाक है गीत में, और काफ़ी मनोरंजन है, के स्क्रीन तो नजर कौन हटे, गीत भी सगड़ा चौखे ही है। स्टार पांच, पांच में सु पांच, एकदम बढ़िया मूवी है, देखने लायक है, देखो घर पूरी फैमिली ने साके देखो। धन्यवाद, धन्यवाद। आम्ही ॲक्च्युली मराठी आहोत, पण फर्स्ट टाईम पंजाबी मूवी बघतोय, तो असं वाटलं नाही आम्हाला की आम्ही असं काहीतरी वेगळं बघतोय किंवा लँग्वेज कळत नाही, व्हेरी इझी लँग्वेज आहे, आणि त्यात प्रत्येक कॅरेक्टर म्हणजे सगळे कॅरेक्टर वाईज सगळं खूप छान आहे, सगळ्यांनी छान ॲक्टिंग केलेली आहे, विकी कदम डिरेक्टर आहे त्याने पण खूप चांगलं डिरेक्शन केलेलं आहे, आणि पंजाबीचं असं माहोल छान वाटतो खरंच, सगळ्यांनी बघा। कारण मेन जे दोन ॲक्टर आहेत, जे लीड आहेत, त्यांनी पण खूप छान ॲक्टिंग केलेली आहे, आणि प्रत्येक कॅरेक्टर म्हणजे छान खेळवून ठेवतं खरंच। मूवीमध्ये सगळं आहे, ॲक्शन आहे, कॉमेडी तर खूप छान आहे, ॲक्टिंग खूप चांगली आहे, आणि जो इमोशन आहे ते एकदम मस्त मूवीमध्ये होतं, आणि विकी कदम ॲक्च्युली आमचा कॉलेज फ्रेंड आहे, सो ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू हिज फिल्म। खूप चांगले सगळे बघू शकतात, सगळ्यांनी नक्की जा बघायला, ही मूवी अशी आहे की सगळे जण बघू शकतात, असं नाही की पंजाबी आहे तो ओनली पंजाबी लोकांनीच पाहिली पाहिजे, सगळ्यांनी ही मूवी पाहिली पाहिजे। बरोबर, कारण आम्ही पण मराठी आहोत तर असं वाटलेलं की अरे कळेल की नाही, काही नाही, मस्त बिंदास जा, कारण व्यवस्थित सगळं कळतं, आणि खूप सगळं गाणी सगळी चांगली आहेत, आणि मेन ऍक्टिंग खूप चांगली आहे। डायरेक्शन तुमचा विकी कदम पण आहे, चांगलंच आहे, काही लोकेशन चांगले आहेत, काही शॉर्ट्स चांगले आहेत, खरंच आहे व्यवस्थित, शॉर्ट टेकिंग आणि स्क्रीन प्ले खूप छान।